हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर में नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। अतिशीघ्र नामांकन का काम भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से वार्ड में पार्षद के दावेदार उभर कर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजनीति, समाज सेवा एवं पत्रकारिता जगत से ताल्लुक रखने वाले युवा अभिषेक अग्रवाल भी, जो कि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब पार्टी के समक्ष पार्षद की दावेदारी कर रहे हैं। इंदौर का वार्ड क्रमांक 62 जो कि सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, यहां से अभिषेक अग्रवाल अपनी पत्नी ज्योति अग्रवाल के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। साथ ही वार्ड क्रमांक 63 जो कि सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित हुआ, यहां से स्वयं के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। अग्रवाल का कहना है कि पार्टी हम पति पत्नी में से किसी एक को टिकट दे दे। छावनी कलाली मोहल्ला में रहने वाले अभिषेक अग्रवाल के पिता अरुण मोदी जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब पार्टी का झंडा उठाने में भी घबराते थे, अब से श्री मोदी पार्टी का जिदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके पुत्र अभिषेक को पार्षद का टिकट मिलना चाहिए। अभिषेक ने कहा कि उन्होंने जब से होश संभाला है तब से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। ऐसे में पार्टी को उनके नाम पर विचार करते हुए उन्हें टिकट देना चाहिए। अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव की घोषणा की गई है और ऐसी जानकारी मिले कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 62 और वार्ड क्रमांक 63 से आपके दावेदारी चल रही है। 62 से आपकी श्रीमती की दावेदारी चल रही है और 63 से आपकी दावेदारी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह से देखते हैं इस पूरी दावेदारी को? मेरे को जनता का आशीर्वाद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का शुरू से काम करता आया हूँ। मेरे पिताजी जो थे वो जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और मैं भी जब से होश संवारा है जब से मैं भारतीय जनता पार्टी को देख रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं उसको लेकर मैं प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर आऊँगा और जनता की सेवा करूँगा। वार्ड 62 जो कि सामान्य महिला वार्ड है, यहाँ से आपके आपके यहाँ से कौन दावेदारी कर रहा है? मैंने यहाँ से मेरी श्रीमती जी हैं ज्योति अग्रवाल, जिनकी दावेदारी पुख्ता साबित हो रही है। और वार्ड 63 से आप स्वयं दावेदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा घरेलू संबंध है अग्रवाल नगर, जानकी नगर, इसने नगर, मनीष बाग, मेवाई बगीचा, केसर भाई का बगीचा, यहाँ पर मेरा पारिवारिक संबंध है। सभी एक एक घर में मेरा दस्तक है, इसलिए मैं पुख्ता दावेदारी कर रहा हूँ। जैसा कि वार्ड क्रमांक 62 और वार्ड क्रमांक 63 के यदि हम जाति के समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर अग्रवाल समाज और वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, क्या किस तरह से आप देखते हैं इन समीकरण को अपने पक्ष में? जी बिल्कुल, अग्रवाल समाज, जैन समाज, महेश्वरी समाज, वैश्य समाज, विजयवर्गीय समाज, ये सब मेरे पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कि वार्ड का व्यक्ति परिवार है मेरा और जनता की सेवा करना मेरा फर्ज है। पिछले जो इतने चुनाव हुए आपकी क्या भूमिका रही है सभी चुनावों में? मैं पहले बूथ पे भी बैठा, भारतीय जनता पार्टी में बूथ पे बैठा, मैंने बिना पद के लालसा के काम किया चुनाव में। अभी जो आकाश एड़गी का विधानसभा का चुनाव था, क्या किस तरह से आपने वहाँ पर मेहनत की है? जो मेरे को जवाबदेही सौंपी गई आकाश जी ने, वो जवाबदेही का निर्वाह मैंने किया है पूरी ईमानदारी के साथ, उनको जिता के लाए। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या इस सीट को आप दोनों सीटों पर क्या आपका समीकरण रहेगा? अगर पार्टी मेरे को दोनों सीट में से कोई से अगर चुनाव लड़वाती है तो मैं हजारों वोट मतों से विजय होकर और जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ।